या कभी जब तक ये संसार में संसार को देखता रहेगा तब तक ये दो फलों से वंचित नहीं होगा। कभी सुख कभी कभी दुख का इसको हमेशा भान होता रहेगा, दुख आया सुख आया। और इसके इसकी तीन है जड़, ये प्रकृति का है ना, तो तीन जड़ क्या है, ये सत्व रजतम जो तीन गुण है, ये त्रिगुणात्मक जगत है, तो ये तीन इसके इसके जड़ हैं, इसके मूल हैं, त्रिमूला और चतुरसः, इसके चार रस जो जो चतुर्वर्ग फल हैं, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये इसके चार रस हैं। और यहां संसार को जानने के साधन क्या हैं, प्रकार क्या हैं, तो कहते हैं ये जो पांच इंद्रियां हैं, इंद्रियों के गोलक नहीं, ज्ञान इंद्रियां, ये श्रोत्र त्वक नेत्र रसना और नासिका, ये पांच जो हैं ये इसके जानने के प्रकार हैं। और इस संसार में छह स्वभाव है, किसी वस्तु का होना, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना। चीज कोई पैदा हुई, ये आश्रम बना, बन के रहा, कोई चीज का उत्पन्न होना, स्थित रहना और उसकी वृद्धि होना और क्षय होना और परिवर्तन होना और नष्ट हो जाना, ये जितने हम हैं, जितनी संसार में वस्तुएं हैं, जितने प्राणी पदार्थ हैं, सब में ये छह बात है। गीता में छह को चार के रूप में ले आए, जन्म जरा व्याधि ही, जो वस्तु बनी है वो नष्ट होगी ही, वो पहले पहले बढ़ेगी, बच्चा बड़ा होगा तो ये वृद्धि होगी, फिर घटने लगेगा, उसके बल का क्षय होने लगेगा, रूपांतर चलता साथ साथ, छोटे बच्चे को पहचान नहीं सकते बूढ़ा होने पर, और नष्ट हो जाता है। तो ये छह इसके स्वभाव हैं, इस वृक्ष के उसकी सात छाल हैं, जो सात धातुएं हैं हमारी, रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, इस सात धातुओं से ये बना रहता है। आज इसकी शाखाएं हैं, पंचमहाभूत मन बुद्धि और अहंकार, ये आठ जो हैं इसकी आठ शाखाएं हैं। और ये जो नव इंद्रिय द्वार हैं मुखादि, ये नव इस वृक्ष के खोडर हैं। और दस पत्ते इसमें, जो दस प्राण हैं, प्राण अपान ज्ञान उदान समान नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय, ये दस जो हैं ये प्राण है, जो प्राण इसके पत्ते हैं। और इस संसार रूपी वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं, एक भगवान और एक जीव, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो पक्षी रहते हैं, एक तो देखता है एक खाता है, वो एक ही दो बने हुए हैं। जब वो खाने वाला देखने वाले के शरणागत हो जाता है तो देखने वाला फिर वहां पर प्रकट हो जाता है, फिर संसार वृक्ष जो है कट जाता है। इसको वृक्ष इसीलिए कहा, ये विषय आगे आवेगा कि ये इसका ये कट सकता, ये वैराग्य शस्त्र के द्वारा भगवान में राग होने पर ये कट सकता है, इसलिए ये इसका नाम वृक्ष है। त्वमेक एव सतत प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवितचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। ए रूखा विषय लगेगा, सबके काम का नहीं। कहते संसार वृक्ष की जो उत्पत्ति है उसके आधार आप हैं, एकमात्र आप ही हैं, ये भगवान से ही ये निकला है और भगवान में ये संसार
का जो पानी पदार्थ है ये जाता है और भगवान के द्वारा इसकी रक्षा होती है। तो जिनका चित्त भगवान के इस तत्व को न जानकर माया से ढक रहा है वे इस शक्ति को खो बैठते हैं, वे भगवान को नहीं देखते, ये और चीजों को देखते हैं। ब्रह्मा ने पैदा किया, काल ने इसको मिटा दिया, इस प्रकार से जो तत्वज्ञानी हैं, जो जानते हैं, वे केवल सब जगह सब अवस्थाओं में इसके मूल में रहने वाले, इसमें व्याप्त जो इसमें जहां ये जाएगा उस आपको ही देखते हैं। तो आप ही विमर्शी रूपान्वबोधयात्मा क्षेमा ये लोक सुचराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुखलानां। जरा फिर संसार में नेक रूप धारण करने वाले ये आप ही हैं, ये और फिर आप ही अनेक रूप धारण करके संसार में अवतीर्ण होते हैं उद्धार के लिए। तो आपके ये जितने रूप होते हैं ये सत्वोपपन्नानि, ये सारे सत्वमय होते हैं और ये सुखरूप होते हैं, सबको सुख देने वाले होते हैं, संतों को दुष्टों को दुष्टता का दंड भी देते हैं, अभद्राणि मुखलानां उनको दंड भी देते हैं। इसलिए मंगलमय और अमंगलमय दोनों रूपों में आप ही प्रकट होते हैं संसार में। त्वयम्बुदाक्षाखिल सत्वधामनी समाधिना विहित चेतसैके त्वत्पाद पोथेन महत्कृतियो न कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धं। कहते हैं अब यहां पर बिल्कुल वो वर्णन नहीं है जिसमें ये अरूप का वर्णन हो। ये तो भगवान जो देवकी गर्भ में आए हुए ये सारे अंगों से विभूषित जो भगवान, उनका वर्णन तो कहते हैं कि आपके नेत्र जो हैं वो कमल के समान बड़े शोभित हैं। अंबुजाक्ष कमल के समान कोमल अनुग्रह बड़े नेत्रों वाले भगवान, ये कुछ ही लोग जो होते हैं जो सबके आश्रय आप हैं, आप में मन लगा सकते हैं। और वे लोग जो हैं आपके चरणों में मन लगाने वाले, वे लोग आपके चरण कमलों का, चरण कमल रूपी जहाज का सहारा लेकर त्वत्पाद पोथेन, ये बड़ा सुंदर भाव है, त्वत्पाद पोथेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाभ्यम। भाई ये जिसके द्वारा महात्मा लोग संसार सागर को पार हो चुके हैं, संसार सागर से पार होने का उपाय क्या है? ब्रह्मादि देवता कहते हैं कि उपाय है केवल आपके चरण कमलों का सहारा, ये विषादे भी आवेगा। जो सहारा नहीं लेते चरण कमलों का उसकी क्या गति होती है, बड़ा ऊंचा जाने पर भी ये भी बताएंगे ब्रह्मा जी महाराज। तो वो कहते हैं कि जिसका सहारा लेकर, जिस जहाज पर सवार होकर, जहाज का इसको पोत कहा, पोत कहते हैं जहाज को, वो कहते हैं जिस जहाज पर चढ़कर संत पुरुष महात्मा पुरुष संसार से पार हो चुके, वो जो आपका चरण कमल रूपी जहाज है, उस जहाज पर जो लोग सवार हो जाते हैं, इसका जो आश्रय कर लेते हैं महाराज, उनका पार होना कैसा है? गोवत्स पदम भवाभ्यम। यह है तो भवसागर भवाभ्यम, इतना ये भयानक और विस्तृत है कि जिसका पार पाना बड़ा मुश्किल, न मालूम अनंत जन्म होते जाए कभी छुटकारा मिलने का है ही नहीं। और इसमें न मालूम कितने जीव जंतु भरे हुए, कितनी इसमें तरंगे उठ रही हैं बड़ी बड़ी, तो इसको पार होना बड़ा मुश्किल। लेकिन बोले हम लोग जैसे बात करते हुए जाएं, रास्ते में कोई गा के
खुर का जरा सा गड्ढा बना हुआ तो उसको देखे भी नहीं और निकल जाते। इसी प्रकार आपके चरण कमलों का सहारा लेने वाले जो लोग हैं वे आपकी चर्चा करते हैं। संसार में ध्यान में आता ही नहीं कि संसार को भी पार करना है, ये बड़ा समुद्र है, इस समुद्र को कैसे लांघेंगे क्या करेंगे चिंता नहीं होती उनको। वो तो केवल आपके चरणों का सहारा दे करके आपका गुणगान करते हैं और करते करते जैसे राह चलते लोग बात करते हुए गाय के खुर के गड्ढे को पार कर जाते हैं पता ही नहीं लगता। इसी प्रकार गोवत्स पदम भवानवम भीम मद भ्रषा भगवत पदाम भूर्व नाभ मत्र थे निधाया ता सदनुग्रहो भवान। इसमें भक्त संप्रदाय वाले संप्रदाय की अपनी पुष्टि पाते हैं, बहुत बहुत सुंदर पाते हैं। वो कहते हैं कि हे परम प्रकाश रूप भगवान, ये नाव कहाँ मिले ये हम जानते हैं। आपके जो निष्कपट प्रेमी जो संसार का भी वास्तव में हित चाहते हैं, संसार के सच्चे हितैषी वही है। माने सच्चे सूरज कौन है हमारे, जो संत है वो, बाकी कोई सूरज नहीं। जो हमें संसार में लगा दे भोगों में लगा दे वो हमारा सूरज नहीं। तो ये जो भक्त हैं यही वास्तव में सारे जगत के भी सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे हितैषी हैं। तो ये लोग जिस नौका को पा करके उस भयंकर और जो बड़ा दुष्कर है सुदुष्ट कर गए हैं, वो आपके चंद कमलों की जो नौका है उसको ये छोड़ गए। यहां पर स्वयं पार हो गए और अपने उस नौका को छोड़ गए। तो यहां एक शंका होती है, नाव को छोड़ कैसे जाए आदमी, नाव से इस किनारे से उस किनारे जाए तो उस किनारे रह जाए ना नाव। ये संसार की जो नाव है ये तो क्या है, आती जाती रही, यहाँ के आदमी को वहां उतारा और वहां वाले को यहाँ ले आए, पर ये वहां जाने के बाद तो आते नहीं। जो उस पार पहुंच गए वो तो इस पार आते नहीं, तो वापिस लाने का तो प्रयोजन होता नहीं कोई को भी। जो भगवान के चरण कमलों की नाव का सहारा दे करके उस पार पहुंच गए वो तो आते नहीं। यदि अस्तित्वा ननिवर्तन थे तो इस किनारे नाव रही ये कैसे माने। पर आप कहते हैं कि वो जो नाव है वो छोड़ गए। ब्रह्मा जी देवता कहते हैं कि ये भक्त लोग जिस नाव को ले करके दुष्कर और भयानक सुदुष्टरम बहुत कठिनता से पार होने योग्य और बहुत ही भयानक संसार सागर को पार कर गए, उस नौका को वे दूसरों के पार करने के लिए यहीं छोड़ गए। तो वो नौका क्या नौका है, तो कहा जिन चरण कमलों का उन्होंने आश्रय लिया, वो जो आश्रय पद्धति है इसी को संप्रदाय कहते हैं, वो जो आश्रय पद्धति है वो बता जाते हैं, वो संत लोग बता जाते हैं कि इस प्रकार से भगवान के चरणों के तुम आश्रयी हो जाना। ये उस नौका को उस संप्रदाय से अपने भक्ति पथ से अपने मार्ग से अपनी पद्धति से जो बता जाते हैं, मैंने ये नौका क्योंकि ये बात आ चुकी, वो तो भवाब्धी को पार कर चुके हैं गोवत्सवत, तो वो नाव जो क्या करती है, ये बड़ी सुंदर भावना है कि वो नाव को जाना नहीं पड़ता पार। वो ऐसी विचित्र नाव है कि उस नाव का सहारा लेते ही ये संसार सागर सूख कर भयानक ये गोवत्स पदवत रह जाता है। तो फिर पार होने में क्या देर है, वो नाव को जल में तैर के पार ले जाए ये जरूरत नहीं उस नाव को। नाम लेत भवसिंधु सुखाही, ये जो भवसिंधु है
ये भगवान का के चरणों का आश्रय करने पर सूख जाता है तो अपने आप ही पार हो गया। भगवान के चरण वहाँ पर जहाँ मिल गए वहाँ भगवान आ जाते हैं और जहाँ भगवान आए वहाँ संसार सागर रहा नहीं। यही भेद है कि कर्मी को जाना पड़ता है भगवान तक, पहुँचना पड़ता है और प्रेमी के पास भगवान आ जाते हैं। आ जाते तो ये भगवान के चरणों का जहाँ सहारा लिया वहीं क्या हुआ कि भगवान पास आ गए तो संसार सागर सूख कर गोवत्स पदवत रह गया। तो अब उसको पार तो उस नाव से ही, उसको गोवत्स पदवत बनाया उस नौका नहीं, भगवान के चरण कमलों के आश्रय नहीं। ये जो आश्रय की पद्धति है ये वो संत लोग छोड़ जाते हैं पीछे वालों के लिए। देखो भैया इस नाव से हम पार हुए हैं और ये नाव तुम्हारे लिए अब हम छोड़ जाते हैं। ये बड़ी सुख की नाव है, इसको खेना नहीं पड़ता, खेना नहीं पड़ता, केवल इस नाव का आश्रय कर लो, ये अपने आप खेई जाती है और अपने आप जल को पार कर जाती है और अपने आप रास्ते के विघ्नों को मिटा देती है, इसके अनुकूल हवा अपने आप रहती है। तो भगवत चरणों को आश्रय करने वाले को क्या मिलता है? ये भगवत कृपा मिलती है, भगवान की शरणागति से भगवत कृपा मिलती है। तो भगवत कृपा जहां पर आ जाती है, उदय हो जाती है, वहां पर फिर ये संसार का भय नहीं रहता, संसार सागर नहीं रहता। तो बोले ये फिर पार हो जाते हैं, वो नौका छोड़ जाते। तो इसमें तो क्या बात हुई कि भगवान के चरणों का आश्रय कर लेना यही संसार सागर से पार होने का सहज उपाय है, इसके सिवा कोई उपाय नहीं। बोले और उपाय? बोले और उपाय हैं भाई, पर उनमें बड़ा डर है, बड़ा डर है। ये भक्त लोग तो बहुत आगे बढ़ते हैं, ये तो कहते हैं ये इस टीका में है, वो तो आज यहाँ कहने की बात, ये लंबा छोड़ा व्याख्यान है कि ये उनके पास प्रमाण भी है। वो कहते हैं कि भाई जो लोग ज्ञान की उच्चावस्था में पहुंच चुके, पहुंचा हुआ मान लिया, वे भी गिर जाते, लेकिन भगवत चरणों का आश्रय करने वाले गिरते नहीं, क्योंकि वो जो चरण हैं हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। वो निरावलंब हैं, ये सावलंब हैं, इनको भगवान के चरणों का आधार है, उनको नहीं। तो ये विमुक्त मानना जो है, इसको मानने का वर्थ करते हैं कि जिन लोगों ने मान लिया तो कहते मिथ्या मान लिया नहीं, जो सचमुच माने जाने योग्य हो गए वे भी, हम ज्ञानी भगवान को कौन माने? भगवान क्या चीज है? वो तो माया की चीज है। इस प्रकार गिर जाते। तो कहते हैं ये निरविंदाक्ष विमुक्त मानिन स्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः तथा नते माधव तावका क्वचिंगे आरुध्य किश्रेण परम पदम पतंत धूर्नाद युष्मदंग्रय। बड़ा सुंदर वो कहते हैं महाराज कि जिन लोगों ने आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया, चरण कमल नौका क्यों है कि जिन लोगों ने आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया, हे अरविंदाक्ष हे कमलनेत्र भगवान, जिन लोगों ने आपके चरणों का आश्रय नहीं लिया, जो आपके भक्तिभाव से रहित हैं, सच कहें तो असल में वे अभिशुद्ध बुद्धि हैं। वो हमारे मित्र थे, हैं अभी, वो बड़े विनोद में कहा करते हैं कि बुद्धि सूक्ष्म होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि पता ही नहीं लगता कि है कि नहीं। तो वो कहा करते हैं किसी प्रकार से जो ज्ञानाभिमानी होते हैं उनकी बुद्धि सूक्ष्म होते होते भगवान तक का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते,
वो कहती है भगवान भी नहीं है, ये सब माया से बने हुए हैं, हम तो निर्माइक जगत में आत्म तत्व के जानने वाले हैं। तो असल में वे जो हैं ये अभिशुद्ध बुद्धि, अभिशुद्ध बुद्धि से तो होता नहीं आचरण ही सत्य की प्राप्ति का। बुद्धाभिशुद्ध ही आयुक्तो यहां से शुरू होता है और वहां उसकी परिसमाप्ति है। पराभक्ति के द्वारा भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने पर असली ब्रह्मभूत होना, ब्रह्म की प्राप्ति होना उसकी परिसमाप्ति नहीं है। ये गीता का सिद्धांत है। बुद्धि विशुद्ध होते होते जब ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य होकर ब्रह्म को प्राप्त कर चुकता है तब भी असली प्राप्ति नहीं हुई, ये गीता का सिद्धांत है। इसके बाद ब्रह्म प्राप्त महापुरुष ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा शुद्ध कांक्षति वो फिर मेरी श्रीकृष्ण की पराभक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या माम अभिजानाति, और भक्ति के द्वारा वो फिर मुझको जानता है मैं कैसा हूं, तब वो असली चीज को पाता है, वहां तक पहुंचता है। तो जो जो केवल विमुक्त मानिना है, जो केवल अपने को बोले हमने तो मान लिया कि हम ब्रह्म हैं, बस मान लिया, अब जगत है ही नहीं, बना ही नहीं। अरे मान लिया पर बुद्धि जहां तक अशुद्ध है, जहां तक संसार के प्राणी पदार्थ में राग द्वेष बना है, जहां तक अमुक अमुक विषय अच्छा अमुक विषय बुरा इस प्रकार मन में लगता है, वहां तक बुद्धि शुद्ध नहीं है। तो कहते हैं कि महाराज ऐसे लोग फिर गिरिजा तो बोले नहीं, तपस्या जो है ये साधना ये बड़े ऊंचे पर ले जाती है। जे ज्ञान मान विमत, इसी का अनुवाद है, जे ज्ञान मान विमत तब भवहरनि भगत नयादरी ते पाय सुर दुर्लभ पदादति पत हम देखत हरी। विश्वास करी सबयास परिहरी दास तब जे हो रहे, जप नाम तब बिनु श्रम तरई भवनाथ सो समराम। कहते हैं कि भाई जिनके मन में विश्वास नहीं, तो जिनको भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं, अनाज दल रहा। यहां एक ये और बात कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ये विश्व गंगराय है ना, वो कहते हैं कि यहां पर केवल भगवान की बात नहीं है, भगवान और भगवान के भक्त दोनों के चरणों का आश्रय होना चाहिए। भगवान के भक्त के चरणों का आश्रय नहीं होगा तो भगवत चरणारविंद की उपलब्धि नहीं होती, तो नाव तो वो छोड़ जाते हैं ना। ये चली आती संगति युष्मत से बताते हैं कि नाव तो वो चली आती है जो भक्त छोड़ गए हैं। अपने मन से हमने मान लिया है कि भगवान के ऐसे चरणारविंद हैं तो नहीं काम चलता। तो भगवान के जो अनुभवी भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, उन भक्तों के चरणों का और भगवान के चरणों का जिनको आश्रय नहीं है, वे अपनी साधना के द्वारा ऊंचे से ऊंचा पद पा जाते हैं। आरुज किसेन परम पदम तपा, बड़ा ऊंचे से ऊंचा पद साधना का कष्ट उठाकर वे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं कि उनके अंदर एक ऐसा अभिमान उत्पन्न होता है जो भगवान और भक्त के चरणाश्रित नहीं होते। वे चरणाश्रित काहे के होते हैं, चरण तो उनके लिए ही नहीं, तो वो होते हैं अभिमानाश्रित, विमुक्त मानिना, वो झूठ झूठ ही मान लेते हैं। तो ये जो अभिमानाश्रित होते हैं ये भी अपनी तपस्या के बल से बड़ा ऊंचा उठ सकते हैं। पाए सुर्दुर्लभ पदादपि, जिस पद को देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते उस पद को प्राप्त कर ले। देवताओं ने नहीं प्राप्त किया इंद्रत्व को सब देवताओं में, पर नहुष ने प्राप्त कर लिया। पर नहुष के भगवत चरणों का आश्रय नहीं था, देवताओं से ऊंचा उसने पद तो प्राप्त किया, इंद्र बन गया,
लेकिन ऐसा गिरा कि फिर उसका पता नहीं लगा हजारों वर्षों तक पड़ा रहा चलिए की योनि में। तो इसका मतलब क्या है कि केवल जो साधना में विश्वास करता है, ज्ञान में विश्वास करता है, समझ में विश्वास करता है, और जिसको भगवत चरणारविंद की और भक्त चरणारविंद की कृपा प्राप्त नहीं है, जो इनका आश्रय नहीं करता, वो गिर जाता है। वो गिर जाता है क्योंकि ये क्रम ये है। भगवान देवकी के गर्भ में आए हुए हैं, वो चरणारविंद वाले हैं, करपदाद युक्त हैं, उन भगवान की स्तुति हो रही है। तो कहते हैं उसी से कि ये जो आपके जो चरण कमल है, ये जहाज हैं। ये चरण कमल के जहाज किनको प्राप्त हुए? आपके भक्तों को। वे भक्त तो पार हो गए, पार होकर इस जहाज को छोड़ गए। इस जहाज का जो आश्रय कर लेंगे वो गोवत्स पदवत पार हो जाएंगे, लेकिन इस जहाज का जो आश्रय नहीं करेंगे, इस जहाज का और जहाज के छोड़ने वाले उन महात्माओं का, वे लोग ऊंचे से ऊंचे पद पर जा करके भी गिर जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई बचाने वाला नहीं। अभिमान बचाता नहीं, गिराता है, और शरणागति गिराती नहीं, बचाती। ये अंतर है यहाँ पर, ये समझने का अंतर है साधन में कि भगवत शरणागति है, ये तो गिराती नहीं, गिरता है। इसके लिए अगले श्लोक में है, गिरता है उठा लेते हैं भगवान, उठा लेते हैं, और अभिमान है ये धक्का मारता है। ऊंचे से ऊंचा जाने पर भी अभिमान जब जागता है, उस समय ये प्राणी भूल जाता है कि परिणाम क्या होगा। तो विमुक्त मानिना, जो अभिमानी हैं, अपने को मुक्त मानने वाले अभिमानी, वे अभिमानी गिर जाते हैं, उनको अभिमान का सहारा रहता है, और अभिमान धक्का देने वाला है, बचाने वाला नहीं। लेकिन त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदाः। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायका नीत मूर्ध सुप्रभो। बड़ा सुंदर भाव है जो आपके अंदर हो गए। तावका भगवान के तदीय, जो भगवान के हो जाते हैं उन्हीं को भगवान बचाते हैं। ये ब्रह्मश्रुति में आगे आवेगा कि महाराज ये मनुष्य कब तक ऐसा रहता है कि जब तक आपका नहीं हो जाता। ये उसी तावदरागादेशना तावत कारा गृहम गृहम तावन मुहुग्र निगड़ो या कृष्ण के जनाहा। हे श्री कृष्ण, जब तक ये तुम्हारे नहीं हो जाते तभी तक राग द्वेष रूपी चोर पीछे लगे रहते हैं, तभी तक ये घर का जेल खाना रहता है, जेल खाने के रूप में घर रहता है, फिर तो मंदिर के रूप में हो जाता है, जेल खाना रहता है, और तभी तक ये पैरों में बेड़ियां पड़ी रहती हैं, लेकिन जब आपका हो गया तो बस आप मुक्त कर देते हैं। तो कहते हैं कि हे माधव, जो आपके निजजन है, तावका जो आपके हो गए, आपके हो गए हैं, तो आपके हो गए तो चिंता आपके। अरे जूता खरीद लाए हम बाजार से, अब जूता खो न जाए, दुकान के जूते कौन चिंता करता है, दुकान में जूते पड़े हजारों, हम जाकर के देख भी आए लिया नहीं तो दुकान में आग लग जाए चाहे, कौन चिंता करता है। तो जिस जूते को खरीद लाए, जूता मामूली चीज बाहर ही खोलते हैं, तो सत्संग में आने पर भी मन लगा रहता कहीं जूता खोने जाए, स्वाभाविक। तो जो चीज अपनी हो गई उसका खास ध्यान रहता है। तो बोले भगवान नहीं भी रहता ये पक्षपात, अरे पक्षपात नहीं, ये स्वभाव है। सूर्य जो है ये किसी को रोशनी दे किसी को न दे ऐसा सूर्य कहता है क्या? बोले भाई अमुक को हम तो रोशनी देंगे, अमुक को नहीं देंगे, लेकिन जो सामने तो उसको रोशनी मिलती है, और जो अपना किवाड़ ढके अलकतरा पोत ले, दीवार पर अलकतरा लगा ले काला, और किवाड़ ढके और काला पर्दा लगा ले,
सूरज बिचारा कहां रोशनी देने को आवे, लेकिन जो सूर्य के सामने आ जाए उसको रोशनी मिलती है, और जो अच्छी शीशे ही आ जाए कहीं बन के तो सूर्य उसमें प्रकट हो जाए तो आग लग जाती है। तो भगवान ने ये कहा गीता में कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। बोले तो पक्षपात, बोले पक्षपात नहीं स्वभाव है, पक्षपात नहीं, पक्षपात तो जो होता है कि अमुक साथ करें अमुक साथ नहीं करें। भगवान कहते हैं न हमारा कोई द्वेष है न हमारा कोई प्रिय है, सब में हम समान है बाबा, सब समान, लेकिन जो हमारे हैं, जो हमको हमसे प्रेम करते हैं वे हमारे अंदर हैं, हम उनके अंदर हैं। मई थे वो तेजा आते हम, उनका प्रवेश हो गया भगवान में, और भगवान कहते हैं कि मेरा भी उनमें प्रवेश हो गया, वे मुझ में और मैं उनमें, यहां तक का संबंध। तो ताव का जो भगवान के, तो तदीय नारद जी ने कहा कि भगवान में और भगवान के भक्तों में भेद नहीं, क्यों भेद नहीं, ये तो सदीय है, वे उनके हो गए। तस्मिन सज्जने भेदाभावात्, सूत्र है कि भगवान में और भगवान के जन में भेद का अभाव है, वे भेद का अभाव क्यों हो गया, ये तो सदीय है, वे उनके जो हो गए, ये भगवान के हो गए, तो भगवान के हो गए तो क्या हुआ कि भगवान का हाथ उनके सिर पर आ गया, भगवान की शक्ति उनके रक्षा में आ गई, भगवान का ज्ञान उनके ज्ञान में आने लगा। ध्रुव जी शरणागत हुए, भगवान के बोलना नहीं आता था, जरा सा शंख छुआ दिया कपोल को सारी विद्याएं अपने आप आ गई, भगवान का ज्ञान उतर आया ध्रुव में। ताव का तो कहते हैं कि जो आपके आपके हो गए हैं और जिनकी आपके चरणों में वास्तव में प्रीति हो गई है, वे लोग ये ज्ञानाभिमानियों की भांति, जो बद्ध सवर्ग हैं, ये वो जो ज्ञानाभिमानियों की भांति, वे गिरते नहीं। क्यों नहीं गिरते, क्यों नहीं गिरते, उनकी रक्षा आप करते। जैसे छोटा बच्चा कभी देखा होगा, ये माओं को पता है, जब बच्चे की उंगली पकड़ के मां ले जाती है, छोटा सा बच्चा है, रास्ते में पत्थर पड़ा होता है, बच्चा होता है चपल, तो अंगुली पकड़े मां की और पत्थर का दूर भी है तो पत्थर पर पैर रख के जाएगा वो, उसको ये तो डर है नहीं, इतना ज्ञान है, डर है कि गिर जाएंगे, क्योंकि मां तो हाथ पकड़ाए हुए है, जरा से पैर फिसला कि मां तब से उसको रोक लेगी, बचा लेगी मां। तो इसलिए जैसे वो राह के पड़े पत्थर पर जानबूझ के पैर रख के जाता है, इसी प्रकार ये कहते हैं कि त्वया भिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, विनाय का निकट मूर्ध सुख पढ़ो। वो बोले विघ्नों से तो क्या डरे, जो विघ्नों की सेना के सरदार हैं, सारे जो विघ्न डालने वाले हैं, बड़े बड़े विघ्न, उनकी सेना के जो सरदार हैं, उनके सिर पर पैर रख के जाते हैं, बोले आओ देखें उनके हैं हम, हमको हम पसंद कैसे वो कुछ भी, अरे उनके हैं। तो कहते हैं कि कोई भी बड़ा से बड़ा विघ्न उनको गिरा दे सो बात नहीं, वो तो विघ्नों की सेना के सरदारों के सिर पर, उनके सिर को कुचलते हुए जाते हैं, वो डरते नहीं, क्योंकि वो उनको रक्षा प्राप्त है भगवान के, योग क्षेम वहाम्यहम्, क्षेम का वहन करते हैं भगवान, योग का वहन करते हैं भगवान। तो कहते हैं कि ये जो भगवान का स्वभाव है, ये बड़ा विलक्षण, इसको देख करके जो उनके हो जाते हैं, उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, उनमें अपने प्रेम को बांध देते हैं, बांध देते हैं चरणों में सच्ची प्रीति। ये क्या होता है महाराज, जो अपने हृदय को भगवान से बांधते हैं, वो कैसे बांधते हैं,
काय से बांधते हैं, भगवान के चरणों से बांधते हैं। चरणों का आश्रय यही है, वही विषय आ रहा है, भगवान का चरणाश्रय। तो अपनी प्रेम की डोरी से सारी जगह से सारा प्रेम एक जगह इकट्ठा होकर वो केवल भगवत चरणारविंद में लग जा, ये है प्रेम की गांठ बांध देना भगवान के चरणों। इसमें होता क्या है, प्रकारांतर से भगवान बंध जाते हैं, बंध गए ना भगवान। सूरदास ने कहा ये बिल्लु मंगल वाली बात, ये भगवान ये अंधे हो गए। सूरदास ये बिल्लु मंगल जी अंधे हो गए, आंखें फोड़ दी, आ गया ऐसा विचार मन में कि आंखें जो हैं ये हमको अच्छे मार्ग से गिराती है तो आंख न रहे। जो आंख भगवान को दिखाए वो तो आंख, नहीं तो फूटने लायक आंख। तो उन्होंने बेल के कांटे लेकर दोनों आंखों को फोड़ लिया, फोड़ लिया, भाव था। अब बोले बोझ होगी आंख तो रही नहीं, अब ये कहीं गिरने का सामान रहेगा ये नहीं मौत से, अब चले। तो आंखों से खून बह रहा है और ये अपने आप खूब मजे में जा रहे हैं, मौत से जा रहे हैं नाचते हुए। जाना है इनको भगवान के वृंदावन में, दक्षिण कृष्ण जना अभी वहां से चलते हैं। भगवान हल्का अंधा हो गया तो इसकी आंख तो हम ही हैं, तो छोटे से बच्चे बड़े मधुर बनकर के आ गए, बोले बाबा बाबा, बड़ी मीठी बोली लगी, बड़ी मीठी बोली लगी, इतना मधुर। तो मन में आया कि सारे संसार को छोड़ के आया, आंख फोड़ी और फिर ये कहां से आ गया फंसाने वाला कोई, इसको तो बोलिए फंसाती है। बोले भैया कौन हो, बोले हम यहीं रहते हैं बाबा, कुछ खाओगे? तो भूख तो लगी थी, बोले भैया भूख तो लगी है, कई दिन हो गए। बोले हम लाए हैं देखो, दोने में बड़ा सुंदर सुंदर है, भगवान वो भगवान ही थे, भगवान का प्रसाद भी भगवान ही है, खाना ही भगवान ही। वो प्रसाद दिया तो वो बुद्धे ने खाया, ऐसा बढ़िया लगा, ऐसा बढ़िया लगा, ऐसा बढ़िया लगा अंधे को। बोले इतनी लाए हो क्या? बहुत दिन का भूखा था। बोले और भी है, और दिया, अब काश तृप्ति है उसकी। बोले भैया रोज ले आया करो, रोज ले आया करो। बोले अच्छी बात, रोज लाऊंगा। अब वो रोज ला के दे तो बोले भैया तुम थोड़े पास बैठ जाया करो, तो बात सुनाया करो, तुम्हारी बात बड़ी मीठी लगती है, तुम्हारी बोली बड़ी मीठी लगती है, प्रसाद भी मीठा तुम्हारी बोली भी मीठी। बोले अच्छी बात है सुनाए। बोले एक काम कर, हाथ तुम्हारा हाथ देखी नहीं रहा, हाथ को लिया हाथ में तो अब तो बिजली दौड़ गई। अरे ये हाथ भगवान के वो ब्रह्म संस्पर्श हो गया ना, ये ज्ञानियों का ब्रह्म संस्पर्श होता है कहीं बुद्धि में ही, संस्पर्श नहीं मिलता उनको, तो संस्पर्श झूठी बोलते हैं। संस्पर्श कहाँ होता है, संस्पर्श नहीं होता, वो तो केवल विचार का संस्पर्श है, वो संस्पर्श होता है वो केवल विचार से होता है। और यहाँ तो भगवान का संस्पर्श प्राप्त होता है, अच्छी प्रकार सम्यक प्रकार से भगवान का संस्पर्श प्राप्त होता है, वो दिव्य भगवान के भगवतमय अंगों का, शरीर का नहीं। तो ये जब वो अंग स्पर्श हुआ भगवान के कर कमल, छोटा सा बच्चा नन्ना सा भैया वो हाथ में लिया, अरे सूरदास ने कहा बोले ये छोड़ूंगा नहीं, अब तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बोले भैया देखो फिर तुम कर लाऊंगे कैसे, तुम्हारे लिए लांग, बोले मत लाया करो, तुम तो हाथ ही पकड़ाया रहो उनको, छुड़ा उड़ा किसी तरह से रोज लाए, वो रोज आके बैठे घड़ियात घड़ी हाथ में हाथ रखे, नन्ना सा छोटा सा हाथ लेकिन बड़ा प्रिय, बड़ा मधुर, बड़ा सुहावना। अब साहब रोज की बात होगी तो देखा है तो वृंदावन भूल ही गया, और भूल क्यों न जाए वृंदावन, वृंदावन का जो प्राण है वो जहां आ गया वहां वृंदावन कौन चीज है, जहां वो वहां वृंदावन। तो इस दिन बोला, अरे बोले बाबा तुम वृंदावन जा रहे थे? बोले हाँ जा तो रहे थे,
तो बोले फिर बोले तुम आ गए ना, अब वृंदावन याद आया। लेसन वृंदावन तो तुम रहोगे ना साथ? बोले हाँ हम तुम्हारे रहते ही हैं। चलो हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा के वृंदावन पहुंच गए। बोले बाबा वृंदावन आ गया। बोले आ गए इतनी देर में? बोले आ गया, जल्दी से ले आया। अच्छी बात। तो बोले बाबा आप तो वृंदावन में आ गए, अब हम जाएं? बोले ना ले चलो, हमको तो वापिस वृंदावन ही चाहिए हमको। हम तो तुम बोले नहीं, अब तुमको वृंदावन पहुंचा दिया, अब हम नहीं रहेंगे। बोले नहीं कैसे रहोगे, हाथ जो पकड़ रखा है छोड़ेंगे नहीं। बोले नहीं नहीं हम नहीं रहेंगे। बोले नहीं तुमको रहना पड़ेगा। पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया अंधे ने हाथ, छोड़े नहीं। अब भगवान को तो उसकी महिमा प्रकट करनी, रहना तो पास ही है। ये भक्त का जो हृदय होता है और भक्त की सन्निधि जो होती है, ये भगवान को जितनी प्यारी होती है उतना प्यारा अपना धाम नहीं होता। ये भागवत में कहा है, भागवत में कहा है कि हमें वो संबंधी और लक्ष्मी प्यारे नहीं उतनी, और वो ब्रह्मा प्यारे नहीं, ना आत्मयोनिर न शंकर है, शंकर हमारा रूप, वो हमें प्यारा नहीं, जितने प्यारे ये मेरे भक्त मुझको। तो भगवान जाएंगे नहीं, अब उनको हमेशा रहना। तो भगवान ने सोचा कि अब तो ये छोड़ेगा तो है नहीं, तो इसके बाहर भी रहें और भीतर भी रहें। भीतर रहेंगे तो बाहर अपने आप रहेंगे। तो कहा भी हम जाएंगे? बोले नहीं नहीं जाने देंगे। बोले जाएंगे? बोले नहीं जाने देंगे। बोले अच्छा जाओ जाओ। जो कैसे भगवान ने कहा जाना तो कहें तो रहना है बंद के, तो मन में बैठ गए यार। उसने देखा कि तो अंदर बैठा हुआ है, जो बैठा दिख रहा है ना, अब तो बोले दिखने भी लगा। बाहर तो दिखता नहीं था, फिर दिखता जो बैठा है यहाँ पर, दिखने लगा प्रत्यक्ष बैठा हुआ। मौज हो गई। अब बोले देखो अब अंदर से भगवान को पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया, अभी तो केवल हाथ पकड़े था, और अंदर वाले भगवान को जकड़ लिया, जकड़ लिया। बोले छोड़ हाथ हमारा, जाएंगे, अभी इतनी देर हो गई है, तुम तुम्हारी खुशामद करते बोले नहीं जाने देंगे। बोले जाएंगे। छुड़ाया हाथ, धक्का दिया। अब ये बेचारा कौन सी ताकत थी, वो सर्वशक्तिमान अत्यंत बलवान, छूट गए हाथ। तो बोले जाता है, जा देखें जा। हस्तमुत्क्षिप्या तो बलात् कृष्ण किमद्भुतम् रियाज निर्यासी पौरुषम गणयान के, हाथ छुड़ाए जातो निबल जान के मोहि, हृदय से जब जाओगे सबल बदोंगो तो ही। तुम में बड़ा बल है, छुड़ा लिया हाथ भाग गए, लेकिन बांध जो रखा अंदर, यहां से जाओ तब पता लगे कि तुम्हारे में कुछ बल पौरुष भी है, तुम्हारे मर्दानगी भी है। बस भाग गए, जाओ देखें। भगवान ने कहा अरे जाने के लिए हो तो यहाँ तुम आते ही क्यों? तो ये जो भक्त हैं, ये भक्त भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। इनके साथ रहने में, इनका स्पर्श करने में, इनसे बात करने में ये आनंद प्राप्त होता है भगवान को, क्योंकि उनके हो गए। तावकाह और बद्ध सौहदाह, ये बड़ी सुंदर चीज है। ये जो प्रेम की गांठ बंध गई, हम लोगों की प्रेम की गांठ बंधी नहीं है भगवान से, गांठ तो हम लोगों ने बांध रखी है जो पहले वर्णन आ गया है भोगों से, और वो गांठ रहेगी नहीं, वो तो टूट जाती है। नई बांधो, नई तोड़ो, नई बांधो तो टूटती रहेगी। और ये गांठ ऐसी है कि एक बार बांध लिया फिर महाराज न उसको छोड़ना आता है और न हम छोड़ सकते। फिर तो चाहे जन्म जन्मांतर हो, चाहे जन्म हो न हो, वो गठबंधन फिर बना ही रहेगा, वो कभी छूटेगा नहीं। वो गठबंधन नहीं छूटता, ये संसार का छूट जाता है, वो नहीं छूटता। तो तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रष्यन्ति मार्ग त्वयि बद्ध सौरथाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायका निकटमूर्ध सुप्रभु। कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, प्रभु
सौंप दिया है अपने आप को, अब तुम ही मालिक हो। जो मालिक वो संभाले प्रभु, जिसकी चीज वो संभाले स्वामी हो गया। तो कहते हे प्रभु, जो आपके हो गए और जिनका प्रेम आपके चरणों में बंध गया, वे उन विमुक्त मानिन लोगों के भांति मार्ग से च्युत नहीं होते, वे गिरते नहीं। वे तो बड़े बड़े विघ्नों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रख करके निर्भय चलते हैं, उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं हो सकती। वे आज गुप्ता वे आपके द्वारा संरक्षित हैं, उनकी रक्षा आप करते हैं। जिनकी रक्षा भगवान करे साधन से, वो कैसे गिरे? वो गिरता नहीं, वो सुखपूर्वक भगवान को पा लेता है। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं बभुः वेद क्रिया योग तपस्समाधि विस्तवार्हणं येन जन समीहते। ठीक, तो कहते हैं बड़ी सुंदर बात, कहते हैं कि ये आप जो अपना विग्रह प्रकट करते हैं कि कैसा है, सत्वम विशुद्धम, ये विशुद्ध सत्वमय है। ये जो तीन गुण है ना, इनमें अकेला गुण कोई कभी नहीं रहता। जितने भी प्रकृति के गुण हैं, अगर कहीं सत्वगुण का विकास होगा तो वहां रजतम उसके द्वारा अभिभूत होकर सेवा में रहेंगे, पर रहेंगे अवश्य। ये प्रकृति के गुणों में वैषम्य होता है, अभाव नहीं होता, ये नियम है। त्रिगुणमयी जो प्रकृति है, त्रिगुणमयी है, एक गुणमयी नहीं है वो। तो भगवान का जो स्वभाव है वो एक गुणमय है, भगवान का जो स्वरूप है वो एक गुणमय है, लेकिन जो प्राकृतिक गुण है, जो प्रकृति है, ये नित्य त्रिगुणमयी है। प्रकृति नित्य त्रिगुणमयी है, तो त्रिगुणमयी प्रकृति में एक गुण रहे और दो न रहे, ये कभी होता नहीं। जहां सत्व का विकास होता है, जहां सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है, वहां रज और तम उसकी सेवा में रहते हैं, वो अपने आप को दबा कर रखते हैं, पर रहते अवश्य हैं, वो जाते नहीं, कहीं जा सकते नहीं, क्योंकि उनके बिना वो नहीं रहता। जो प्राकृतिक सत्व है वो रजतम के बिना रह नहीं सकता, वो उनका नित्य बिना भाव संबंध है, वो साथी हैं ही रहेंगे। तो भगवान का जो ये मंगलमय श्री विग्रह है, ये मंगलमय श्री विग्रह कैसा है, ये परम दिव्य है। क्यों परम दिव्य है? कि सत्वम विशुद्धम, ये जो विशुद्ध सत्व है जिसमें रजतम का कहीं सम्मिश्रण नहीं, रजतम का लेश नहीं। तो रजतम का लेश नहीं तो केवल ये प्राकृतिक सत्य बनना ये नहीं, जहां विशुद्ध सत्व है, जहां केवल सत्व है, वही भगवत रूप है। भगवान का जो ये सगुण प्राकट्य है, ये बिना सत्व के नहीं होता, वो सत्व है उनका स्वरूप, विशुद्ध सत्व। ये इसीलिए उनके जो कर चरण आदि हैं, उनके जो लीला गुण आदि हैं, उनकी जो कर्म चेष्टा आदि हैं, ये सब के सब सत्व विशुद्ध होने के कारण से ये सब के सब भगवानमयी है। क्योंकि वहां पर इसका कहीं लेश नहीं है। भगवान, ये पद्म पुराण में आया है शिव जी के और भगवान कृष्ण के संवाद में, शिव जी ने पूछा कि महाराज आप निराकार कैसे हैं, लोग तो आपको निराकार कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम निराकार तो हैं ही, तो महाराज आप निराकार कैसे आप दिख रहे हैं? तो कहा हमारे पांच भौतिक आकार है क्या? सारे जीवों का त्रिगुणात्मक पांच भौतिक आकार होता है, सूक्ष्म देह भी भौतिक है, कारण देह भी भौतिक है, लेकिन भगवत देह जो है, जो भगवत श्री विग्रह मंगलमय विग्रह है, ये भौतिक नहीं, स्वेच्छामय से मृतभूतमय से कोपी, ये पांच भौतिक नहीं, चिदानंदमय देह तुम्हारी
विगत विकार जान अधिकारी, ये जो भगवान का श्री मंगलमय विग्रह है ये विशुद्ध सत्वमय अर्थात भगवनमय है। भगवान ये हमारा जो देह है इसमें देह देही का भेद है। एक बात, शरीर और आत्मा जो हमारा है ना, ये दो है, एक नहीं है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर भगवान की प्रकृति अवश्य है, पर वो परापरा भेद से जीव और शरीर में भेद है। पर भगवान का शरीर और भगवान इनमें भेद नहीं है, वो शरीर भी भगवान और भगवान ही शरीर। तो वहां पर उस देह में कोई अलग आत्मा है ये बात नहीं, उस देह में से आत्मा निकल जाए सो बात नहीं, उस देह में माता के गर्भ में देवकी के गर्भ में भगवान के देह का निर्माण हुआ और उसमें भगवान ने आत्मा रूप से प्रवेश किया, ये नहीं। आत्मा रूप से रहते हैं जिनमें, सारे भूतों में रहते हैं, समस्त प्राणियों में रहते हैं, वो सर्वभूताशय स्थितः, सारे भूतों में भगवान स्थित रहते हैं, वो आत्मा रूप से रहते हैं उनके देह में, और भगवान के देह में भगवान आत्मा रूप से रहते नहीं। वहां देह देही का भेद नहीं, एक बात, वो पांच भौतिक नहीं, दूसरी बात, वो हानोपादान रहित है। ये शुद्ध सत्व का लक्षण कहते हैं कि वो देह जो है वो कभी बना और बिगड़ा, जन्म और मृत्यु उसका हुआ ये नहीं है। ये बात गीता में संकेत किया भगवान ने, अजो किसन बे आत्मा और भूता नाम ईश्वरो किसन, तीन बात बताई, अजन्मा होते हुए ही और अविनाशी रहते हुए ही सारे जगत के समस्त अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर रहते हुए ही अपने स्वभाव से लीला के लिए भगवान प्रकट होते हैं। ये वो श्लोक का शब्दार्थ है, आत्माया और प्रकृति सामिष्टाय, प्रकृति माने स्वभाव, ये प्रेम परवशता भगवान का स्वभाव, ये उनकी प्रकृति, ये प्रेम परवशता अवश्य भगवान लीला के लिए कृपा के लिए रसा स्वादन करने कराने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। तो प्राकट्य होता है, देह नहीं बनता। तो कहते हैं कि जो आपका विशुद्ध सत्वम विशुद्धम श्रयते भगवान सतौ शरीर नाम श्री उपायनम बपुः, ये सबको कल्याण प्रदान करने वाला, परम कल्याण करने वाला संसार की स्थिति के लिए, ये जो आपका विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय देह है इसको आप प्रकट करते हैं। ये देह जो है भगवान का देह, याद रखने की बात है, भला पांच भौतिक नहीं, देह देही का भेद नहीं, और जन्मने मरने वाला नहीं, और ये आने जाने वाला नहीं है। वैकुंठ से आया, गोलोक से आया तो वहां अभाव हो गया, ये बात नहीं। एक ही साथ अनेक जगह है भगवान प्रकट हो सकते हैं, अनंत अनंत स्थानों में अनंत रूप में, वो परिपूर्ण है ना, परिपूर्ण की अपूर्णता कभी नहीं होती। पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्णमेव अवशेष्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण रह जाता है। तो इसलिए जो भगवान है ये, तो इसीलिए आराधना होती है, ये उपासना जहां पर है ना, उपासना, ये बड़ी समझने की बात है। उपासना के लिए उपास्य की आवश्यकता होती है, और असंग चिन्मय ब्रह्म किसी का उपास नहीं हो सकता। तो ये चाहे स्वाध्याय के द्वारा, वेद के द्वारा, चाहे क्रिया योग के द्वारा, चाहे तप योग के द्वारा, चाहे समाधि के द्वारा, जिसकी आराधना की जाती है वो उपास्य देव विशुद्ध सत्व में ही है, चाहे उसको माने नहीं को, चाहे कहे नहीं। वो शक्तियों के लिए हम कल लिख रहे थे, भाव ये हुआ कि ये
जितने भी सविशेष रूप हैं, कोई कैसा, हम तो राधा कृष्ण की पूजा नहीं करते, हम तो केवल कृष्ण ही करते हैं, भ्रांत है या झूठ बोलते हैं, केवल कृष्ण की सत्ता नहीं रह सकती शक्ति के बिना। ये बिल्कुल सिद्धांत है कि जहां पर कोई शक्ति नहीं है वहां शक्तिमान की सत्ता नहीं, शक्ति से ही शक्तिमान बनता है। तो जहां लीला विलास नहीं वहां श्री कृष्ण ही नहीं। तो इसलिए जितने भी सविशेष रूप हैं वे सविशेष रूप तो भगवान के शक्ति को साथ लेकर के हैं ही, वो विशुद्ध सत्व में है ही, लेकिन जो सच्चिदानंदमय है वहां पर भी संवित संधिनी और आह्लादिनी इन तीन शक्तियों की आवश्यकता है। यद्यपि वो नित्य हैं, स्वरूप भूत हैं, कहीं उनसे वियुक्त होती नहीं, वियुक्त होने पर न वो रहे न वो रहे, फिर ब्रह्म रहे नहीं शून्य हो जाए, तो वहां पर भी शक्ति की, उपनिषद में तो आया है बृहदारण्यक में आत्मा के आठ गुण बताए हैं, बृहदारण्यक में है। तो ये जो भगवान की जो स्वरूप भूत गुण हैं, ये शक्ति जो है ये विशुद्ध सत्वमय है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप ये ब्रह्मा जी के वाक्य देवताओं के शंकर जी साथ हैं, वो कहते हैं कि आप संसार का श्रेय करने के लिए, जगत का मंगल करने के लिए और आप सबको कल्याण प्रदान करने वाला अपना ये विशुद्ध सत्वमय चिदानंदमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। इसीलिए उस रूप के प्राकट्य होने के कारण से ही वैदिक लोग वेद के द्वारा, कर्मकांडी लोग क्रिया योग के द्वारा, योगी लोग अष्टांग योग के द्वारा, तपस्वी लोग तप के द्वारा, राजयोगी लोग समाधि के द्वारा ये आपकी आराधना करते हैं। अगर कोई आराधना का आश्रय न हो तो किसकी आराधना करेंगे? ये आराधना ही प्रकट करती है इस बात को कि आप जो हैं विशुद्ध सत्वमय नित्य सत्य सनातन भगवान हैं। तो हे भगवान, हम आपकी इस प्रकार से उपासना करते हैं, आप हमें अपना मंगलमय शरण प्रदान कीजिए। ये शरणागति, शरणागति चाहने के लिए भगवान में विश्वास होना चाहिए और भगवान के चरणों के प्रति मन में आदर बुद्धि होनी चाहिए। भगवान के चरणों को माइक मान ले और मान ले कि ये तो हाथ पैर पे तो सारी चीज, ये तो बनी बनाई है जगत की, हाथ पैर की चीज है, यह अंग्रह पद है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई बनावटी बात ऊपर की कही जाती हो, ब्रह्मा जी की कही हुई बात, शंकर जी साथ हैं, शंकर के समान कौन ज्ञानी होगा, और वो भी अगर अज्ञानी है तो हमारा ज्ञान तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं। तो ये स्वयं कहते हैं भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है मंगल विग्रह भगवान। तो कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों का जो आश्रय है यही संसार से पार होने के लिए एकमात्र उपाय है। तो इस उपाय का जो आश्रय करते हैं वही सत्य पर भगवान को जानते हैं, और जो इसका आश्रय न करके जो और का आश्रय करते हैं, केवल भौतिक ही नहीं अन्य साधना आश्रय भी, इसके अनुसार वो भी सारा असत्य का आश्रय होता है। इसलिए विमुक्त मानिना पतंती वे गिर जाते, भगवान के चरणाश्रय वाले नहीं गिरते। हरि ओम। एक श्लोक और हो जाए हरि क्या। एक बड़ी सुंदर बात आप कहते हैं, यही इसका सिलसिला है भगवान के चरणाश्रय का, विशुद्ध सत्व का। सत्वम चेद्धातुरिदम निजम भवेत् विज्ञान मज्ञान भिदापमार्जनम गुण प्रकाशैरनुमीयते भवान प्रकाशते येन वा गुणः। कहते हैं प्रभो, सबके विधाता तो आप ही हैं, यदि आपका ये विशुद्ध सत्वमय देह है, निज स्वरूप आपका ये न हो तो
किसी को अप्रोक्ष ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसीलिए ये विष्णु तूषणीकार यहां पर कहते हैं श्लोक की व्याख्या में बड़ा सुंदर कि इस श्लोक के अनुसार अप्रोक्ष ज्ञान भी वास्तव में सच्चा अप्रोक्ष ज्ञान, सच्चा जिसको अप्रोक्ष ज्ञान कहते हैं, भगवान का जो जैसा स्वरूप है, केवल ब्रह्म स्वरूप नहीं, यावान यश्चास्मि तत्वतः, उस स्वरूप का ज्ञान भगवान के विशुद्ध सत्वमय श्री विग्रह के चरणाश्रय के बिना होता नहीं। इसीलिए जो ज्ञानी महापुरुष है नारद आदि संत कुमार आदि, वे लोग विज्ञान घन होते हुए भी भगवान के चरणों का आश्रय करते हैं और वो चमत्कार देखते हैं, चमत्कार देखते हैं भगवान के श्री अंग में विभूषित जो तुलसी की माला, उस माला से जो गंध निकली दिव्य गंध, उस गंध ने सनकादि के मन को मोहित कर दिया, शुद्ध हो गया उनका मन। क्या बात थी, तो वो भगवत चरणाश्रित भक्त थे ज्ञानी होते हुए भी। तो अप्रोक्ष ज्ञान जिसको कहते हैं, वास्तविक विज्ञान, ये अधूरा ज्ञान नहीं। गीतोक्त यावान यश्चास्मि तत्वतः, तत्वतः तत्वतः ज्ञान भगवान का जिनको हो जाए पूरा समग्र, वो ज्ञान बिना चरणाश्रय का नहीं होता। ये तो बिल्कुल अधूरा रह गया ना। ये बहुत सोचने की बात है कि भगवान का श्री विग्रह है, नित्य मंगलमय सच्चिदानंदमय है, इसकी जहां तक अनुभूति नहीं हुई वहां तक ये ज्ञान उन ज्ञानियों को हुआ क्या? भगवान निर्विशेष हैं, असंग हैं, चिन्मात्र हैं, सत्ता मात्र हैं, जगत से रहित हैं, सर्वातीत हैं, ये ज्ञान तो हुआ, ये भगवान का ज्ञान है। परंतु ये चिन्मय भगवान चिन्मय देह से चिन्मयी लीला करते हैं और इनका चरणाश्रय चिन्मय है, ये ज्ञान तो उनको हुआ नहीं, इस विषय में वो अज्ञानी रहे, खंडन करते रहे, इस तरफ आया नहीं, अतएव पूर्ण ज्ञान से वंचित रहे, पूर्ण परोक्ष नहीं हुआ उन्हें, पूर्ण विज्ञान का उन्हें अज्ञान रह गया। तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि प्रभो ये विशुद्ध सत्व में आपका निज स्वरूप न हो तो अज्ञान और उस अज्ञान के द्वारा होने वाले भेद को नष्ट करने वाला जो अपरोक्ष है वो नहीं होता। तो फिर ये जगत में जो दिखने वाले गुण हैं, इन गुणों का फिर निरसन करने की आवश्यकता नहीं, ये गुण भी सारे के सारे आप में हैं, ये सत्य हैं, पर इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से जो ज्ञान होता है वो आनुमानिक होता है, वो स्वरूप का साक्षात्कार नहीं है। बुद्धि के द्वारा होने वाला भगवान का ज्ञान विचार पूर्वक, विचार से हमने जान लिया कि एक तत्व है, उसके सिवा कुछ है नहीं, ये जो विचार जनित ज्ञान है ये स्वरूप ज्ञान नहीं, आनुमानिक ज्ञान है, ये अनुमान वृत्तिजन्य है। तो वो ज्ञान कब होता है? जब कृपा करके आप जनाते हैं, यमी वैश्य विनुति तेन लभ्य, उपनिषद कहता है सो जान ही देह जेह देह जनाई, तो भगवान के चरणों का आश्रय किए बिना विशुद्ध सत्व में अगर बिगड़ नहीं तो चरणों का आश्रय कैसा है? तो ये शंकराचार्य आदि को देखिए, इन्होंने चरणों का आश्रय किया है, इन्होंने जितने स्तवन किए हैं उन स्तवनों में बड़ी भारी इस बात की व्याख्या की है कि महाराज जो कुछ है सो यही है, शक्ति की उपासना ललिता सहस्रनाम, ललिताम्बा की उपासना सौंदर्य लहरी आनंद लहरी, जो शंकराचार्य की जो हैं, इस बात को सिद्ध करती हैं
कि ये ज्ञानी होने के साथ साथ भक्त रहे, तो बिना भगवान का ज्ञान भक्त को छोड़ के नहीं रहता और भक्त के बिना असली ज्ञान नहीं होता। इसलिए भक्ति की बड़ी आवश्यकता भगवान, इसीलिए स्तवन में भगवान के चरणाश्रय का ही विशेष महत्व बताया है कि भगवान के चरणाश्रय के बिना ये चीज मिलती नहीं। तो ये जो गुणों को प्रकाश करने वाली वृत्ति, इससे जो भगवान का ज्ञान होता है, ये अनुमानिक ज्ञान है। बुद्धि भगवान को जान नहीं सकती, ये भगवान स्वयं जना दें। भगवान के संस्पर्श में क्या सुख है ये क्या बुद्धि जान सकती है? भगवान के प्रसाद में क्या स्वाद है ये क्या बुद्धि जान सकती है? ये सारा ज्ञान अधूरा रह जाता है। सारे ये एक सिद्धांत है, जगत का ज्ञान आवश्यक नहीं, और जगत का ज्ञान तपस्या से प्राप्त हो जाता है, उसमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं। जगत का ज्ञान जो है, विश्वामित्र ने उसी सृष्टि की योजना की, तो सृष्टि का ज्ञान उन्हें हो गया, सृष्टि रचने लगे तपस्या के द्वारा। पर भगवान के स्वरूप का ज्ञान और ये प्रकृति ज्ञान, ये दो चीज है। तो स्वरूप में जो भगवान का विशुद्ध मंगलमय सत्व स्वरूप है, इसका जब तक ज्ञान नहीं हो, इसकी लीला का ज्ञान नहीं हो, तब तक वो अपरोक्ष नहीं। तो ये जो अपरोक्ष से रहित जो ज्ञान है, वो ज्ञान उस अज्ञान का पूरा बाधक नहीं। तो तत्वतः है भगवान के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान, ये बिना शुद्ध सत्वमय भगवान के शिव वगैरह होता नहीं। ये अवतार व्यर्थ नहीं होते हैं। भगवान जो आते हैं ये केवल असुरों को मारने के लिए आ गए, इतनी बात नहीं है। ये तो गौण कारण है, ये सब लोगों को आराधना में लगाना है, उपासना में लगाना है, भक्तों का मंगलमय मनोरथ पूर्ण करना है, भक्तों के रस का आस्वादन करना है, प्रेम रस का वितरण करना है, प्रेम रस को प्राप्त करना है। ये सारे जो मंगलमय भगवान के निज मनोरथ हैं, उन मनोरथों के लिए भगवान निज में ही अपने आप भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। तो यहाँ ये कहते हैं कि भाई आपका आगे फिर बताया है, ये जो निरूपण जो होता है शास्त्रों के द्वारा, इसमें भी अनुमान ही होगा। अनुमान करेगा, महाभाग्य अनुमान कराएंगे, दर्शन नहीं कराएंगे। दर्शन के लिए तो भक्ता तुम नहीं आ सकते, ज्ञातुम दृष्टुम तत्वेन, केवल ज्ञान नहीं दृष्टुम भी। वहां दृष्टुम का अर्थ केवल मन से देखना नहीं है, वो तो ज्ञातुम में आ गया। दृष्टुम का अर्थ क्या है? आंख से देखना और उसमें घुल मिल जाना, लीला में प्रवेश कर जाना और जान लेना भी। तो केवल जान लेना ये तत्वतः ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने का अर्थ है उनके हाथ को भी जानना, पैर को भी जानना, आंख को भी जानना, स्पर्श को भी जानना, लीला को भी जानना, गुण को भी जानना, रूप को भी जानना। ये सब जो भगवान के मंगलमय सच्चिदानंदमय है, भौतिक नहीं, इनको जब तक नहीं जानता तब तक अपरोक्ष नहीं होता, और इनको जानने के लिए शुद्ध सत्वमय देह की आवश्यकता होती है मंगल विग्रह की। तो आपका मंगल विग्रह के रूप से प्रकट होना इसीलिए है कि आराधकों के लिए, उपासकों के लिए, सब उपासकों के लिए विभिन्न रूप से आप आराधना का आधार दे देते हैं, इसलिए आप प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी आदि देवता कंस के कारागार में गर्भस्थित देवकी देवी के उदर में लीला से ही प्रविष्ट भगवान का स्तवन कर रहे हैं, और वे भगवान के चरणारविंद रूपी नौका का आश्रय लेकर संसार सागर से गुणवत्सवत पार होने की बात कहकर
फिर ये दिखलाते हैं, दिखलाया कि ये आपका जो शुद्ध सत्वमय प्रकाश है जगत में प्रकट होना, ये अगर न होता तो असली अज्ञान का नाश करने वाला विज्ञान प्राप्त ही नहीं होता। और लोग जो साधक लोग जिनके लिए आप विशुद्ध सत्व रूप से प्रकट होते हैं, तो वे साधना करके भी और अप्रत्यक्ष रूप से ही आपको जान पाते, प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान पाते, अप्रोक्ष पूर्ण नहीं होता। ये बात कहकर अब भगवान का जो अनुमान से परे का रूप है, जो किसी ये ऐसा कहकर हम पहचान लेते हैं, इस प्रकार पहचानने में न आने वाले बाहरी क्रियाओं से, बाहरी नाम रूपों से ये बतलाते हुए कहते हैं, न नाम रूपे गुण जन्म कर्म धर निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्याम मनुये वर्तमनो देव क्रियायाम प्रतियन्त्यथापि। जरा सा इसका अन्वय आप लोग सुन लें। तस्य बुद्ध्यादेः साक्षिणः साक्षात् द्रष्टु नियन्तु इति वा मनोवचोभ्याम मनसा तर्केण वचसा आप्तवाक्येन च अनुवेय वर्तमानः अस्तीति निश्चितत्वस्य न तु अनुभव गोचरस्य। तब श्री गोविंदस्य गुण कर्म जन्म भी गुणैः भक्तवात्सल्यादिभिः कर्मभिः भूभारहरणादिभिः जन्मभिः वसुदेवादिपुत्र रूपेण अवतरणैश्च नाम रूपे न निरूपितव्ये। अर्थात नाम रूपादि विशिष्ट घटपटादिवत न इदमेव मिति निरूपणार्थे भवतः। श्री भगवतो नाम रूपादीनाम अप्राकृतत्वां सब विलक्षणत्वाचेति भावः देव स्वप्रकाश। अथापि भवतः सर्वथा अनिरूपणीय स्वरूपत्वेपि क्रियायां श्रवण कीर्तनादि लक्षणायां भक्तौ हि निश्चितमेव प्रतियन्ति तद्भक्तास्त्वां साक्षात् कुर्वन्ति। तो ये बतलाते हैं कि आप ये नहीं है ज्ञाता है, जगत रूप से देखने वाले आप नहीं है, आप इसके साक्षी हैं। तो मन से वेदवाणी से आप्त वाक्य से इनसे केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है। ये जो जगत के नाम रूप हैं, इनसे तुम उन वस्तुओं का जान लेते हैं, तत्व जान लेते हैं। भाई ये चक्की है तो पीसने का काम होता है, इसको जान लिया। ये मकान है, रहने का काम होता है, इसको जान लिया। तो जगत के जो नाम रूप हैं, ये नाम रूप उसके तत्व को बताने वाले, और वो तत्व जो है सो है विनाशी, वो नित्य नहीं है, बदलने वाला है। तो भगवान के नाम रूप ऐसे नहीं है। तो ये भगवान के नाम रूप को इतिहासज्ञ लोग भी जानते हैं, भाई कंस को मारा, कंसारे नाम है, वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया तो वासुदेव नाम है, गोवर्धन धारण किया तो गिरवरधारी नाम है। तो इन नामों से ही उनके स्वरूप का पूरा पूरा पता लग गया हो, सो बात नहीं। इन नामों के जान लेने मात्र से स्वरूप का पता लग जाए, सो बात नहीं। आंशिक रूप से अनुमान होता है,
तो ये ब्रह्मा जी देवता कहते हैं कि आप दृश्य न होने से, आप जे न होने से विज्ञाता रमरे के विजानी याद, कि उपनिषद में आया कि अरे जो विज्ञाता उसको कौन जानता, जानने वाले को कौन जानता है, जो जानने की चीज है उसे कोई भले ही जाने, पर भगवान जो है ये जाता है। तो जैसे भगवान है ऐसे भगवान के नाम रूप हैं, इन नाम रूपों को जागतिक भाव से नाम रूप देखने पर भगवान का ज्ञान नहीं होता ठीक। तो वही गोविंद चरणाश्रय वाली बात है, भगवान के चरणों के आश्रित होने से भगवत कृपा से भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है। केवल किसी वस्तु को इदम कहकर जान लेने से नहीं होती, और इदम कहकर जानने में भगवान आते नहीं। तो ये भगवान से कहते हैं कि आपके जो गुण हैं, जन्म हैं और कर्म आदि के द्वारा ये वास्तव में आपके नाम का रूप का निरूपण नहीं हो सकता। ये लोग नाम ले लेते हैं, इतिहास जान लेते हैं, पर वो आपको नहीं जानते। आपको जानने के लिए तो आपकी कृपा ही अपेक्षित है। तो कौन जानता है आपको, जो आपके चरणों का आश्रय ले करके और अपने जीवन की सारी क्रियाओं को आपके समर्पण कर देता है और आपके नाम को रूप को दिव्य मानकर और उनका स्मरण करता है, गान करता है, इन क्रियाओं के द्वारा। तो इन क्रियाओं का भी दो तरह से ये आगे आवेगा, दो तरह से इन भगवान के लिए होने वाली क्रियाओं का संपादन होता है। एक तो होता है भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, एक होता है लौकिक चीज मानकर। लौकिक चीज मानकर जो होता है वहां पर वो जो ठीक ठीक भगवान के स्वरूप का ज्ञान है, निरूपण है, वो नहीं होता, वो लौकिकता में रह जाता है। भगवान को, श्री कृष्ण को लोग महापुरुष मानते हैं, बलवान भी मानते हैं, बड़े बड़े अद्भुत कर्म करने वाले भी मानते हैं, परंतु इससे उनको भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। असली नाम भगवान का और असली रूप भगवान का जो नित्य है, अचिंत्य है, भगवत स्वरूप नाम और भगवत स्वरूप रूप, इसका अनुमान नहीं होता। तो आप तो ब्रह्मा जी देवता कहते हैं कि आपके गुण जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम का रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। इनका आश्रय लेकर के भक्तजन उपासना आदि क्रियाओं के द्वारा ये आपको जानते हैं, आपका साक्षात्कार करते हैं। भगवान को दुर्योधन ने देखा, देख करके भी भगवान को अमित पराक्रमी तो जाना, पर भगवान अगर अपने स्वरूप का परिचय न कराना चाहें तो कोई कर सकता नहीं। तो दुर्योधन ने जान करके भी जाना नहीं, ये कह दिया कि ये बड़ा अद्भुत कर्मा है, ये बहुत जादू वादू जानता है। तो ये जो विराट रूप दिखलाया इसने यहाँ पर, ये इसकी ये करामात है, विद्या है, तो वास्तव में ये कुछ है नहीं। इस प्रकार से भगवान के विराट रूप को देख करके भी दुर्योधन के मन में भगवान के स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई। वो होती है भक्तों के द्वारा किए हुई क्रियाओं से। तो भक्तों की क्रिया और अन्य जनों की क्रिया, इनमें अंतर होता है। तो आपका नाम रूप आपके स्वरूप को प्रकाशित करता वहीं पर
जो नाम रूप को आपके आपका स्वरूप जानकर ही उपासना करते हैं, और नहीं तो केवल नाम रूप से वो आपके तत्व को नहीं जान सकते। पर जो भक्त हैं वे क्रिया के द्वारा आपको जान लेते। वो क्रियाएं कौन सी हैं? बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वो क्रियाएं कौन सी हैं जिनके द्वारा आप जाने जा सकते हैं? तो नाम को, रूप को, भगवान के नाम को, भगवान के गुणों को, भगवान के रूप को, इनको भगवत रूप पहले जाने। नाम में और नामी में भेद नहीं, भगवान के शरीर में और भगवान में भेद नहीं, भगवान के गुणों में और भगवान में भेद नहीं। इस प्रकार निश्चय करके मन में और भगवान के चरणों की कृपा का ही बल लेकर जो इन क्रियाओं को करे तब भगवान का साक्षात्कार होता है। वो क्रियाएं क्या हैं? शृण्वन् गृणन् संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो राजिष्टचेतान भवाय कल्पते। वे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार सागर में भव में नहीं आना पड़ता उनको, न भवाय कल्पते। किनको? आविष्ट चेता चरणार विंदी और आविष्ट चेता, वही गोविंद चरण आश्रय की बात। कहते हैं कि आपके चरण कमलों की सेवा में ही, आपके चरण कमलों में ही जिनका चित्त नित्य आविष्ट है, माने जिसका चित्त आपके चरणों में प्रविष्ट हो गया, जिसका चित्त आपके चरणों में प्रवेश पा गया, वही ये पुरुष जो है ये आपके नाम रूप मंगलमय नाम रूपों का स्मरण श्रवण कीर्तन और ध्यान करता है, और वो फिर आपकी कृपा से भव सागर में नहीं आता। तो भगवत चरणारविंद में चित्त का आवेश होना चाहिए, चित्त भगवान भगवत चरणारविंद में आविष्ट हो जाए। तो इसके तीन उपाय बताए हैं। भगवान के नाम रूप में, भगवान के गुणों में भगवत बुद्धि करके उनको अपने चित्त में बार बार लाना, चित्त में भगवान आ जाए। दूसरा इससे आगे का, भगवान जब चित्त में आ जाए नाम रूप के द्वारा और उसमें फिर इतनी वृत्ति लगे कि वो नाम रूप भगवान का, भगवान का वो स्वरूप चित्त पर इतना अधिकार कर ले कि चित्त में वो रहे ही नहीं, चित्त को ही वो ले जाए, चित्त उनका बन जाए, चित्त में भगवान आवे, ये एक बात, और चित्त उनका बना, उनका बन जाए, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, चित्त में या चित्त उनका ये नहीं, भगवान ही चित्त बन जाए। ये विषय आगे आवेगा, अगर हुआ तो रास पंचाध्यायी में भगवान का तीन प्रकार से चिंतन होता है। मुख्य तीन प्रकार हैं और उसके विशिष्ट प्रकार तो और बहुत से स्तर रूप में माने गए हैं। भगवान चित्त में आकर भर जाए, चित्त भगवान के साथ चला जाए, और भगवान ही चित्त रूप में आकर के रह जाए। तो ये प्रसंग ये भ्रमर गीत में आया है। उद्धव जी जब समझाने लगे श्री गोपांगनाओं को, तो उद्धव जी ने बताया कि शिक्षा दी, उपदेश दिया कि भाई भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, तुम बाहर से उनको क्यों प्राप्त करना चाहती हो?
अपने मन में उस सर्वव्यापक जो भगवान ब्रह्म है उनका ध्यान किया कर। तो ये ज्ञानी लोग हंसते हैं, जो अपने को ज्ञानी मानते हैं, वे ज्ञानी तो नहीं, जो ज्ञानी मानते हैं वो हंसते हैं कि ये गोपियां जो थी वो अब तक भगवान को चित्त में प्रविष्ट कर नहीं पाई थी, इसलिए उनको उपदेश दिया उद्धव जी ने, और इसीलिए उनका उत्तर भी मूर्खता का हुआ। गोपियों ने कहा कि महाराज चित्त में तो हमारे श्याम सुंदर बस गए हैं, जगह है नहीं, तो कहाँ ब्रह्म का ध्यान करें। नाइन रहो ही मैं ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरे और, हृदय में कहीं जगह रही नहीं, नंद नंदन ने सारे हृदय को छा लिया, तो उनके रहते किसी दूसरे को कहाँ लावे, कैसे लावे, जगह ही नहीं बची। तो इसका अर्थ है चित्त भगवान से भर गया, भगवान से चित्त भर गया, भगवान के सिवा और कुछ रहा नहीं। श्याम सुंदर द्विभुज मुरलीधारी भगवान से चित्त भर गया और कुछ रहा नहीं।